किस किस तरीके से, कौन कौन से चैप्टर से, कैसे कैसे, कौन से लेवल के सवाल आए थे, सब कुछ देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी स्टार्टिंग हुई है। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से पूरा का पूरा सेक्शन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एनलॉगी आपको बतानी है क्या होगी। फेटर का मतलब अगर लिबरेट से है, मतलब इसका संबंध इससे है, तो किसका किसके साथ होगा ये आपको बताना है। फेटर का मतलब होता है कोई भी कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट, हथकड़ी वगैरह, बेड़ी वगैरह, और लिबरेट का मतलब होता है रिलीज करना। तो मतलब एक तरीके से आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। शैकल का मतलब फिर से वही होता है, क्या चीज़, जो आपका कैद करने के काम में आता है, कोई भी कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। और लूज करना मतलब उसको ढीला कर देना, एक तरीके से आज़ाद कर देना। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। बाकी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन और घोस्टली, घोस्टली का मतलब होता है भुतहा या फिर कोई प्रेतात्मा से संबंधित चीज़। रूटीन का मतलब नॉवेल, ये तो समझ से ही बाहर है। सेक्यूलर और क्लेरिकल, ये भी एम्बिगुअस पेयर हैं। तो अगला देखते हैं फिर। 52 नंबर क्वेश्चन आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। क्वाइन का मतलब ये होता है, अंटिल का मतलब ये होता है, तो कोकोनट का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। लेटर्स के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पे सी का मतलब 8 है, जो जिस ऑर्डर में लिखा है आपको वैसा ही फॉलो करना होता है। इन टाइप के क्वेश्चंस की यही ट्रिक होती है। तो सी का मतलब यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो शुरुआत 8 से होगी। उन ऑप्शंस को हम काट देंगे जिनकी शुरुआत 8 से नहीं हो रही है। ए और डी ऑप्शन यहाँ से चले गए, एलिमिनेट हो गए ये। उसके बाद बी और सी को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ से लेकर पूरा 5 तक आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से लेकर शुरुआत के 4 लेटर आपको बराबर दिए हुए हैं। एन का मतलब क्या है, जैसे ही आप पता करते हैं आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। एन का मतलब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 5 के बाद 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन 53 है, पजल बेस्ड ये सवाल है। एक दौड़ होती है, उसमें देखिए कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक रेखा है, एक माला है, एक अनिका है, आरुषि है, वसंता है और गौरी है। कितने लोगों के कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की बात हो रही है। रेखा, माला, इनिका, आरुषि, वसंता और गौरी, इन लोग की बात यहाँ पे हो रही है। और डेटा आपको इसके करस्पॉन्डिंग दे रखा है कि कौन कितनी जल्दी या फिर लेट आता है इस पर्टिकुलर रेस में। तो लिखा हुआ है कि रेखा जो है वो माला से 10 सेकंड पहले आती हैं। तो इसका मतलब माला ने रेखा से 10 सेकंड ज़्यादा लिया, माला ने 10 सेकंड ज़्यादा लिया किससे, रेखा से, क्योंकि रेखा जो है वो पहले आ गई। जो पहले आता है रेस में वो कम टाइम लेता है, ये बात आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पे रेखा ने एक्स एक्स यूनिट का टाइम लिया, यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ मैं, तो माला कितना लेंगी, इससे 10 सेकंड ज़्यादा लेंगी, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसके बाद दो लोगों का हिसाब किताब हमको पता चल चुका है, तो यहाँ पर इन चारों का क्या हिसाब किताब होगा ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग इसमें इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से ऐसे को उठाएंगे जिनका रिलेशन इन दोनों में से किसी के साथ हो। आगे लिखा हुआ है कि जो इनिका है वो आरुषि से 12 सेकंड पहले पहुंच जाती हैं, तो इनिका और आरुषि दोनों की वैल्यूज़ हमको पता नहीं है, तो फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद है वसंता जो है वो गौरी से 18 सेकंड पहले पहुंचती हैं। उसके बाद है माला जो है वो 1 सेकंड बाद आती हैं वसंता के, 1 सेकंड ज़्यादा लेती हैं उनसे। तो माला ये है, इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है। ये जो है वो 1 सेकंड ज़्यादा लेती हैं, तो ये इससे कम लेती होंगी 1 सेकंड, तो ये एक्स प्लस 9 लेती हैं और ये एक्स प्लस 10, तभी तो 1 सेकंड का गैप हुआ। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो इनिका है वो गौरी के 2 सेकंड बाद आती हैं। इनिका और गौरी के बीच में रिलेशन फिलहाल हम लोग नहीं बता सकते। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। इनिका और आरुषि का रिलेशन नहीं बताया जा सकता, वसंता और गौरी का रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल बताया जा सकता है। वसंता की वैल्यू हमको पता है, एक्स प्लस 9 है, तो वसंता और गौरी के बीच में 18 सेकंड का गैप है। समझने वाली बात यह है कि कौन पहले आया, वसंता पहले आई, इसका मतलब ये है उन्होंने 18 सेकंड कम लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, गौरी ने 18 सेकंड वसंता से ज़्यादा लिए होंगे, तो ये एक्स प्लस 18 9 कितना होता है, 27। एक्स प्लस 27 सेकेंड इनको लगते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसके बाद यहाँ पर इनिका और आरुषि के बीच में रिलेशन हम अभी भी नहीं बता सकते। उसके बाद यहाँ पे वसंता और इनिका के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पर इनिका और गौरी के बीच में रिलेशन दिया हुआ कि इनके बीच में 2 सेकंड का गैप है, और कौन बाद में आता है, तो इनिका बाद में आती हैं और गौरी आती हैं पहले।
तो इनका आप 2 सेकंड ज़्यादा लेती हैं गौरी से, तो गौरी लेती हैं x+27, तो ये 2 सेकंड ज़्यादा लेंगी, इसका मतलब x+29 सेकंड ये लेंगी, और इसके बाद इनका और आरुषि के बीच में 12 सेकंड का गैप है, तो इनका ने कम टाइम लिया, आरुषि ने 12 सेकंड ज़्यादा लिया इनसे, तो यहाँ पर हो जाएगा x+29 + 12 कितना होता है x+41। तो ये सभी की टाइमिंग की वैल्यूज हमको पता चल चुकी हैं कि किसने कितना टाइम लिया। आपको इसमें बताना है थर्ड रैंक किसकी आई, तो सबसे पहले हम लोग फैसला कर लेते हैं कि टॉप 3 में कौन रहा। तो यहाँ सबसे कम टाइम आप देख सकते हैं किसने लिया, रेखा ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का समय लिया। इसके बाद दूसरे स्थान पे आती हैं वसंता, जिन्होंने x+9 यूनिट का टाइम लिया। इसके बाद तीसरे स्थान पे आती है माला, जिन्होंने x+10 यूनिट्स का टाइम लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आपको इसमें बताना था कि थर्ड रैंक किसकी आई। अगला देखते हैं, सिलॉजिज्म का यहाँ पे ये सवाल है। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। सम स्टोन्स आर जेम्स, तो ये पूरे के पूरे स्टोन हैं और इसका कुछ पार्ट जेम्स है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ जेम्स पर्ल हैं, तो ये जेम्स हैं, इनका पूरा कुछ पार्ट पर्ल में आ गया। इसके बाद कुछ पर्ल मोलस्क हैं, तो यहाँ मोलस्क आ गया पर्ल का कुछ पार्ट। इसके बाद कंक्लूजन को एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। पहला आपका दे रखा है सम स्टोन्स आर पर्ल्स, तो देखिए स्टोन और पर्ल के बीच में डायग्राम से ही कोई रिलेशन क्लियर नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। दूसरा है सम जेम्स आर मोलस्क, तो जेम्स और मोलस्क के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तीसरा है सम मोलस्क आर पर्ल्स, तो मोलस्क और पर्ल्स के बीच में रिलेशन है इसलिए ये फॉलो करेगा। अगला है सब मोलस्क और जेम्स, तो मोलस्क और जेम्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो सिर्फ तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका ब्लड रिलेशन का, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। सपोज ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो बी की बेटी है, तो ये बी हो गया और ए उसकी बेटी है। अब ये मेल है कि फीमेल फिलहाल हमको नहीं पता। आगे पढ़ते हैं बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो ये जो बी है ये फीमेल है और सी की डॉटर है। अब सी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल होगा और ये डी का भाई है। इसके बाद आपको दिया हुआ है डी इज द मदर ऑफ ई, तो डी एक फीमेल है और मदर है वो ई की। अब ई आपको यहाँ पे फीमेल दे रखा है और आपको बताना है कि जो ए है वो ई का कौन है, या फिर कौन है मेल है कि फीमेल है, ये भी आपको बताना है देख के। तो पहली चीज़ आपको दिख रहा है कि ए एक फीमेल है, तो यहाँ पर ब्रदर और नेफ्यू जैसी चीज़ कट जाएगी, और उसके बाद एक मंजिल ऊपर है। सेम स्केल पे होता तो बहन बता देते हम लोग, लेकिन अभी हम लोग बताएंगे नाइस यानी भतीजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 56, ये आपका एक ब्लड रिलेशन का पजल बेस्ड सवाल है। इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। इसमें आपको बताना है कि डी जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर है ए का, ऐसा आपको कौन से ऑप्शन के थ्रू पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर वन को देखते हैं, डी स्टार सी, समथिंग स्टार सी का मतलब होता है कि जो पहला एलिमेंट है मतलब पहला व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति का फादर है, तो यहाँ पे फादर कौन हुआ डी किसका, तो सी का, तो डी इज द फादर ऑफ सी। इस तरीके से हमने डायग्राम को बना लिया, डी जो है वो सी का फादर है, सी मेल है या फिर फीमेल है फिलहाल आपको नहीं पता है। इसके बाद सी प्लस बी, तो समथिंग प्लस बी का मतलब होता है कि जो पहला पर्सन है वो मदर है दूसरे पर्सन की, तो यहाँ पे पहला पर्सन कौन है सी, सी मदर है बी की, तो ये सी एक फीमेल है और मदर है बी की। अब बी मेल है या फिर फीमेल है फिलहाल आपको नहीं पता। आगे देखते हैं बी प्लस ए, तो समथिंग प्लस ए, अभी हमने देखा कि जो पहले वाला पर्सन है वो दूसरे वाले की मदर है, तो यहाँ पे बी किसकी मदर है ए की, तो बी जो है वो मदर है किसकी ए की। अब ए मेल है कि फीमेल है आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप डी और ए के बीच में रिलेशन देखेंगे तब आप पाएंगे कि जो डी है वो ए के 2 मंजिल ऊपर है, तो 2 मंजिल ऊपर होने का मतलब होता है यहाँ से फादर, यहाँ से ग्रैंडफादर और यहाँ से ग्रेट ग्रैंडफादर। आपसे यही पूछा था कि डी जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर होना चाहिए ए का, पहले ऑप्शन से आपको पता चल गया, इसको टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। वीन डायग्राम पे बेस्ड इस सवाल में आप सभी का स्वागत है।
ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले इस टाइप के वीन डायग्राम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन आजकल पिछले 2-3 एग्जाम में जो 2018 में हुए हैं ये सवाल फ्रीक्वेंटली आए हैं। तो क्या इस बढ़िया से बढ़िया अप्रोच हो सकती है इन टाइप के सवाल को करने की, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं उस चीज़ की। ये आपका वीन डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 16, 22 और 21 लिखा हुआ है, इन बातों का मतलब ये है कि ये जो 16 है ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ए की बात करता है, कि यहाँ पे 16% लोग ए नाम के किसी सब्जेक्ट में पास हैं। इसी तरीके से बी, सिर्फ बी, बी में कितने पास हैं तो 22%, सी में कितने पास हैं 21%। और अगर मैंने कहा ए बी और सी तो इसका मतलब है केवल ए बी और सी की बात हो रही है, यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। कुल मिला के एक इंस्टीट्यूट का डेटा है जहाँ पे 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए थे, किसमें कौन कितना पास हुआ इस बात का ये डेटा है। सबसे पहला सवाल है कि कितने स्टूडेंट बी और सी दोनों में पास हुए, तो ये पूरा का पूरा आपका बी है और ये इस तरीके से आपको सीधे रखा है। तो ये बताइए बी और सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कॉमन है बी और सी के बीच में। तो 5 यहाँ से हो गया, 4 यहाँ से हो गया, 9% लोग कुल मिला के पास हैं। 9% किसका? 400 का। तो 9/100 × 400, ये 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कि कितने स्टूडेंट कम से कम एक एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हैं। तो ये कैसे करना है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ए और बी में पास हुए हैं, मतलब यहाँ पे और लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है या तो ए या तो बी या तो दोनों। या तो दोनों नहीं होगा क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ए और बी दोनों में पास हैं, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि या तो ए होना चाहिए या तो बी, और सी भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से आपका दे रखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16% लोग ए में पास होते हैं, 22% लोग बी में पास होते हैं। तो ये केवल ए का डेटा है और ये केवल बी का डेटा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए और बी के बीच का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है। तो ये पूरा का पूरा आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ए और बी के बीच का जो कॉमन पार्ट है वो इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे जो तीनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, इसमें सी भी इंक्लूड हो रहा है इस वाले पार्ट में। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। तो देखिए इस पार्ट की वैल्यू क्या है, इस पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा का पूरा सी है जिसका ये पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सी वाले को हम लोग को इग्नोर करना था, तो इस वाले पार्ट को फिर भी इंक्लूड करना था, क्योंकि ये जो 4 हैं ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो ए और बी दोनों में पास हैं। तो फिलहाल हमको इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमको नहीं दे रखा था कि या तो ए और या तो बी में केवल उतने ही पास होने चाहिए, ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए और बी को इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 16 केवल ए वाले थे, 22 केवल बी वाले थे, लेकिन 4 ऐसे थे जो कि ए और बी दोनों एग्ज़ाम को पास कर रहे थे। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 22 4 36 सॉरी 22 4 26, 26 16 42, तो 42%। तो 42% ले लेंगे हम लोग, जो जितना दिया है उसका 400 का ले लेंगे। 400 कुल मिला के आपको स्टूडेंट दे रखे थे, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 42 × 4 हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट बताना है कौन सा डिफरेंट है इस 61 में। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे जो एरो है वो इस तरीके से बनी है, बी में भी इस तरीके से बनी है, सी में भी, डी में इस तरीके से बनी है और ई में इस तरीके से बनी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक आपको अलग मिलता तब आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं। और यहाँ पर जो डी शेप का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अटैच है यहाँ पे, और यहाँ पर ये उल्टी तरीके से अटैच है, यहाँ पर भी उल्टी तरीके से अटैच है, यहाँ पे भी उल्टी तरीके से अटैच है, लेकिन यहाँ पर फिर से सीधी तरीके से अटैच है। तो यहाँ पर फिर से 2 अलग एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि आधा पोर्शन ब्राइट है तो आधा डार्क है, और ऐसा सभी में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग नहीं दे सकते। अगर आप में से किसी को इसका लॉजिक पता हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। 62 में भी इसका हम जवाब सही से नहीं दे सकते, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, कोई भी लॉजिक इनको नहीं मिल रहा है, इसको किस तरीके से हम ऑड एंड वन आउट की कैटेगरी में रखें।
63 देखते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट बताना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे वॉवेल हैं, जबकि यहाँ पे कुछ वॉवेल हैं तो कुछ कॉन्सोनेंट भी हैं, यहाँ पर भी कुछ वॉवेल हैं कुछ कॉन्सोनेंट हैं, यहाँ पे आपको देख रहा है सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे वॉवेल हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत वॉवेल हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए, एक भी वॉवेल आपको नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए इसका। अगला देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का यह पूरा सेट आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको साल दे रखे हैं और यहाँ पर कितने इंच के कितने TBB के इस बात का डेटा साफ साफ दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल है 64, इसमें आपको बताना है कि पूरे के पूरे 6 साल में सबसे कम TV कौन से साइज के बिके, क्या वो 70 साइज के बिके, 50 इंच के, 65 इंच के या फिर 75 इंच के। तो यहाँ पे 70 इंच के TV की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी हम लोग बात करेंगे, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13 यानी 130 तो ऐसे ही आ गया। इसके बाद 8, 2, 10, 11, 8, 19, 4, 23, 1, 24 तो 154, 154 TV बिके थे 70 इंच के चारों के चारों साल में, मतलब 6 के 6 साल में। 50 इंच के TV की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से काउंटिंग हम लोग ने थोड़ी सी गलत कर ली थी, ये जो 70 लिखा हुआ है ये 70 इंच की ये लोग बात कर रहे हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे आप, तो इसकी नई काउंटिंग कितनी हो जाएगी, कितने TV बिके हैं, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 60 प्लस यहाँ से हो जाएगा 8, 9, 11, 11, 8, 19, 4, 23, 1, 24 84 TV बिके हैं, कितने इंच के, 70 इंच के पूरे के पूरे 6 साल के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से 50 इंच के TV कितने बिके हैं, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 4, 18, 3, 21 तो ये 100, 210 के ऊपर चला गया। आपसे इसमें पूछा था मिनिमम TV आपको बताना है, तो ये 210 तो बड़ा है 184 से, तो इसको तो हम लोग पहले डिस्कार्ड कर देंगे, तो 50 इंच के TV मिनिमम नहीं हो सकते, 70 वाला ऑप्शन फिलहाल चालू रहेगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी 65 इंच के TV की बात करते हैं, तो 65 इंच के TV आपके ये हैं, कितने हैं ज़रा देख लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 7 और 10 तो 100 तो यहाँ से हो गए। इसके बाद 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 तो 100 प्लस 11 कितना हो गया, 111, तो 111 TV बिके हैं 65 इंच के, तो 111 और 84 में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको मिनिमम बताना है, तो 111 वाला डिस्कार्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, यहाँ पे 75 इंच के TV की ये लोग बात कर रहे हैं, चलिए इसको काउंट करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3 तो 30 यहाँ से हो गया। इसके बाद है 7, 6, 13, 8, 21, 6, 27, 4, 31 और 1, 32 तो 30, 32 कितना हो गया, 62। अब 62 और 84 में जो बड़ा है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, 84 वाले को डिस्कार्ड कर देंगे ऑप्शन ए को, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही बचता है, इतने ही मिनिमम TV बिके थे 75 इंच के और ये सबसे कम थे सभी में। अगला है 65 वाले नंबर का ये सवाल है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा साल था जहाँ पे 60 इंच के TV का परसेंटेज टोटल नंबर के हिसाब से मैक्सिमम आ रहा था, क्या वो साल 2016 था, 15 था, 12 था या फिर 14 था, ये आपको बताना है। तो साल 2016 पे चलते हैं, किसकी बात हमको करनी है, 60 इंच के TV की बात करनी है और इसका परसेंटेज लेना है सभी के साथ, तो ये रहा 60 इंच का TV और ये रहा साल 2016, तो साल 2016 के अंदर 60 इंच के कितने TV बिके थे, 42 TV बिके थे और टोटल TV इस साल कितने बिके थे, चलिए देख लेते हैं, इसमें इन सब को ऐड करने पर आपको मिलेगा 241, तो यहाँ पे साल 2016 में इतने परसेंट TV बिके थे, इसको होल्ड पे रखते हैं, सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, जब चारों ऑप्शन हमारे पास आएंगे तो तब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं कौन सा साल हम लोग को दिया हुआ है, इसके बाद है साल 2015, तो साल 2015 में 60 इंच के कितने TV बिके थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 39 TV बिके थे और कुल मिला के साल 2015 में कितने TV बिके थे किसी भी इंच के, तो वो थे आपके, इन सब को ऐड कर देंगे तो मिलेगा आपको 228, इसका आंसर आ जाएगा, आप ऐड करके इनको देख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन हम लोग को देखने को मिला है। इसके बाद देखते हैं कौन सा साल हम लोग को दिया हुआ था, इसके बाद हम लोग बात करते हैं साल 2012 की, कौन से इंच के TV को देखना है, तो 60 इंच के TV को आपको देखना है। साल 2012 के अंदर तो 26 TV कुल मिला के बिके थे 60 इंच के, कुल मिला के कितने TV बिके थे किसी भी इंच के,
तो इन सबको ऐड कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसको डिनोमिनेटर में रख देंगे, ऐड करने पर यहाँ पे आपको मिलेगा 119। अब इन तीनों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 241 में 42 आपको मिल रहा है ऊपर, यहाँ 228 में 39 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो कुल मिला के 119 है और आपको 26 तो सीधे सीधे ऊपर मिल रहा है। आप इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, यहाँ पे 238 हो जाएगा। अब आपको डिनोमिनेटर में आसपास की वैल्यू मिल जाएंगी 241, 28 और 38, जबकि यहाँ पे कहीं पे 39 है, कहीं पे 42 है, लेकिन यहाँ पे 52 है। तो अभी आपका मैक्सिमम ये चल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपको डिस्कार्ड कर देना है साल 2016 और 15 को। और ऐसा इसलिए करना क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम बताना था, तो मैक्सिमम अगर फ्रैक्शन कोई है x अपॉन वाई, वो तभी होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। और दूसरा फ्रैक्शन मान लीजिए p अपॉन क्यू आपके पास है, तो यहाँ पे अगर p का न्यूमरेटर बड़ा है x के कंपैरिजन में और यहाँ पे वैल्यू कम है इससे, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, इस वजह से भी हमने ऐसा किया। तो ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। 2012 को अभी होल्ड पे रखते हैं, 2014 की बात करते हैं। तो यहाँ पे साल 2014 के अंदर 60 इंच के कितने टीवी बिके थे, 47 टीवी बिके थे। इसको ऐड करना शुरू करते हैं, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 18, 19, तो 190 तो यही हो गया, मतलब टेंस वैल्यू हमने ऐड करी, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इन सबको ऐड करते हैं, 4, 6, 10 से 16, 7, 23, 2, 25, 1, 26, 8, 34, तो 190 प्लस 34 कितना हो गया, 47 अपॉन 224। यहाँ पे 238 में 52 है, लेकिन यहाँ पे 224 में ही आपको 47 मिल गया। तो इन दोनों फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, साल 2014 वाला ऑप्शन नंबर डी। जस्ट हमने फ्रैक्शन निकाला और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो छोटे वाले सारे फ्रैक्शन को काट के हटा दिया, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन मिला उसको हमने टिक कर दिया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ये आपका डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से आप आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल है आपका कि किस साल रंजीत का जन्म हुआ था, वो सन कौन सा था, बेसिकली ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि अभी जो है रंजीत अपनी मम्मी से 24 साल छोटा, यानी कि इनकी माता जी इनसे 24 साल बड़ी हैं, तो ये रंजीत हैं और ये उनकी मदर हैं, तो रंजीत की मदर उनसे 24 साल बड़ी हैं, इसका मतलब अगर ये x साल के हैं तो ये x प्लस 24 साल की हैं, तो इससे तो कोई बात बनी नहीं। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप आपका आंसर निकाल सकते थे क्या, तो आंसर होगा नहीं। तो स्टेटमेंट वन इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इसको हम काट देंगे, क्योंकि जब ये सफिशिएंट है ही नहीं तो ये ऑप्शन भी क्यों होगा। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, रंजीत का जो ब्रदर है, ये रंजीत के ब्रदर हैं जिनका जन्म हुआ था साल 2001 में, ये अपनी मदर से 31 साल छोटे हैं, तो साल 2001 में इनका जन्म हुआ, तो एक बात बताइए इनकी माता जी का जन्म कब हुआ होगा, रंजीत की मदर का या फिर कह लीजिए इन दोनों की मदर का, तो ये हुआ होगा साल 1970 में। तो यहाँ से आपकी बात बनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो टू है, क्या वो अकेले आंसर दे सकता है, इस बात को हम डिक्लाइन करते हैं, ऑप्शन बी को हम काट देते हैं। अब आपके दो ऑप्शन चालू हैं, या तो आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो, यानी कि अब कंबाइन आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास ये अकेला डेटा नहीं है, ना तो ये वाला अकेला डेटा है, अब आपके पास ये सब कुछ दिया हुआ है। तो साल 1970 में जन्म होता है इनकी माता जी का, रंजीत के भाई का जन्म होता है साल 2001 में, और आपको दिया हुआ है कि रंजीत में और उनकी माता जी में 24 साल का अंतर है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे 24 साल आगे करेंगे तो आपको मिलेगा साल 1994, इसी साल जन्म हुआ था किसका, रंजीत का। आपको आपका आंसर मिल गया, लेकिन कब मिला, जब आपने इन सभी स्टेटमेंट को कंबाइन किया, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर सफिशेंट, दोनों से बात बनेगी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 67, यहाँ पे भी डेटा सफिशिएंसी का ही सवाल है। क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि टोटल कॉस्ट बतानी है 28 बैग की, अगर हर एक बैग की कॉस्ट सेम है तो मान लीजिए हर एक बैग की कॉस्ट यहाँ पर एक्स रुपए है और आपको 28 बैग की कॉस्ट निकालनी है, तो 28x की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, जो कॉस्ट है जितनी भी है उसका 1/5 पार्ट 50 रुपए का है, तो पूरी कॉस्ट कितनी की हो जाएगी, 250 की,
यानी हर एक बैग 250 रुपये का है, तो 28 बैग कितने के हो जाएंगे कि आप नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। तो स्टेटमेंट वन की सहायता से आंसर निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट टू देखते हैं, यहाँ पर 3 बैग की कॉस्ट और 2 बैग की कॉस्ट के बीच में 250 रुपये का अंतर है, तो 3 बैग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x। 2 बैग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो 2x। तो 3x माइनस 2x बराबर कितना है? दिया हुआ है 250 रुपये। आपको यहाँ से x पता चल जाएगा और उसके बाद आप 28 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल ले जाएंगे, तो इससे भी अकेले बात बन गई। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपको आपका आंसर नहीं मिल पाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो या तो इससे बात बन जाएगी आपकी, या तो इससे बन जाएगी। तो आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशियंट, जहाँ पे भी दिया है इसको टिक करेंगे, तो ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर है 68। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग प्लस डेटा सफिशिएंसी का मिक्सचर है, या फिर कह लीजिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ हुआ है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मार्बल का मतलब क्या होगा कोडेड लैंग्वेज के अंदर। तो आपके पास पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ये कोड जो आपके लिखे हुए इनका मतलब इस तरीके से है और इनका मतलब इस तरीके से है, तो आपको मार्बल का मतलब बताना है। अगर आप नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ देखें, यानी इनकी तरफ, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी वो होगी SI। SI यहाँ पे भी कॉमन है, SI यहाँ पे भी कॉमन है, और जो मीनिंगफुल वर्ड है उनमें क्या कॉमन है? तो यहाँ पे मार्बल भी कॉमन है और यहाँ पे मार्बल कॉमन है। तो SI का मतलब मार्बल हो गया, जो कि आपका सवाल था। आपने उसको स्टेटमेंट वन के थ्रू हल कर लिया, बात बन गई आपके स्टेटमेंट नंबर वन से ही। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप नॉन मीनिंगफुल वर्ड की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? तो एक तो SI कॉमन है और दूसरा AL कॉमन है। और मीनिंगफुल वर्ड में क्या क्या बात कॉमन है? तो यहाँ पे देखिए, सम स्टोन आर मार्बल, और दूसरा है मार्बल आर स्ट्रॉन्ग। तो किसका मतलब मार्बल है आप नहीं बता सकते हैं, क्या वो SI का मतलब मार्बल है या फिर AL का मतलब मार्बल है, आपको नहीं पता। तो इसका मतलब इससे बात आपकी नहीं बनेगी, कंबाइन करने की ज़रूरत ही क्या है जब आपकी इससे बात बन चुकी है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आंसर दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा, ये बात आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशियंट वाइल सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशियंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर है 69। ये फिर से उसी टाइप का सवाल है, इसमें आपको जवाब किस बात का देना है कि वेल का मतलब क्या होगा अगर सिन लो बाय का मतलब है ही इज वेल। तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि लो मोट डेट का मतलब होता है दे आर वेल। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं इस वाले से। तो यहाँ पे नॉन मीनिंगफुल वर्ड में क्या चीज़ कॉमन है? तो यहाँ पर देखिए लो कॉमन है यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए मीनिंगफुल वर्ड में क्या चीज़ कॉमन है? वेल कॉमन है, यहाँ पे भी वेल कॉमन है, तो वेल बराबर हो जाएगा एलो। आपको वेल का ही बताना था क्या कोड होगा, आपने बता दिया स्टेटमेंट नंबर एक की हेल्प से, आपको आपका आंसर मिल गया, आपकी बात बन गई। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं इसी सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिन माइक बाय का मतलब है ही इज स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है उससे। सिन लो बाय और यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट नंबर टू में सिन माइक बाय, तो सिन भी कॉमन है और बाय भी कॉमन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज स्ट्रॉन्ग, और जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसका मतलब है ही इज वेल। तो किसको ही बोलेंगे, किसको इस बोलेंगे, आपको यहाँ पे नहीं पता है, तो इससे आपकी बात नहीं बनेगी। कंपाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बात स्टेटमेंट नंबर वन से बन चुकी है। तो जहाँ भी स्टेटमेंट नंबर वन अकेला आंसर दे रहा है, टू नहीं दे पा रहा है, तो इसको टिक करेंगे और ये बात आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर का सवाल है। पेड ग्रुप में हम लोग ने मैथमेटिकल ऑपरेटर पे काफ़ी बातें करी थी, ढेर सारे सवाल किए थे, आपको याद होगा। कैसे करते हैं उसी अप्रोच को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। 20, 16, 2, 2 और 8 की सहायता से क्या बनेगा ये आपको बताना है। इनटू का मतलब क्या दिखा हुआ है सवाल में? 20 और 16 के बीच में है, इनटू इनटू का मतलब है प्लस करना है आपको। 16 और 2 के बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है माइनस का साइन का मतलब है डिवाइड करना है आपको, डिवीज़न का साइन हमने लगा दिया। 2 और 2 के बीच में जो ऑपरेटर है वो प्लस का है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई करना है आपको। इसके बाद डिवीज़न दिया हुआ है, डिवीज़न का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 बार में कट जाएगा, तो 20 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8, तो 20 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8, तो 36 में से 8 गया, कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं,
सवाल नंबर आपका 71, ये क्वांट का सबसे पेट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से। एक फार्म की बात की जा रही है जहां पर आपकी ये सारे एंटिटीज गिवन हैं। पहली चीज हैन है, दूसरी शीप है, तीसरा आदमी है और चौथी है बकरी। तो कितने टाइप के लोगों की बात हो रही है? चार टाइप की। पहली हैन है, दूसरी शीप है यानी कि भेड़, तीसरे इंसान है मैन और चौथी है बकरी। तो कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये बात आपको समझने वाली है। लिखा हुआ है कि जितनी मुर्गियां हैं उतनी ही भेड़ हैं। तो मान लीजिए दोनों एक्स हैं, ये चीज़ हमने मान ली। लेट इसके बाद आपको दिया हुआ है कि जितनी बकरियां हैं आदमी उसके 2 गुने हैं। तो अभी फिलहाल इसमें हम लोग आंसर नहीं कर सकते। और इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितनी बकरियां हैं वो डबल हैं जितनी शीप हैं उनके, मतलब बकरियां जो हैं वो शीप का डबल हैं। तो यहाँ पे शीप एक्स हैं तो बकरियां कितनी हो जाएंगी? 2 से गुणा करेंगे 2x। और उसके बाद आदमी कितने हैं? जितनी भी बकरियां हैं उसके 2 गुना हैं, तो 2x का डबल क्या हो जाएगा? 4x। ये तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हर एक कैटेगरी के, मतलब अगर हैन है तो वो एक्स हैं, भेड़ हैं तो वो एक्स हैं, आदमी है तो 4x हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद जो चीज़ आपको लिखी हुई है वो है कि पैरों की संख्या 44 है। तो हर एक एंटिटी में लेग्स पर एंटिटी यानी कि हर एक के पास कितने लेग होंगे, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप जानते हैं कि मुर्गियों के सिर्फ 2 पैर होते हैं, तो 2 लिख लिया, हर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। हर एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? आप जानते हैं 4 होते हैं। हर एक आदमी के 2 पैर होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बकरी के भी 4 पैर होते हैं, तो कुल मिला के पैर कितने आ जाएंगे? इनको इंटू करना पड़ेगा सबको। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ लेग्स कितना होता है? लेग्स पर एंटिटी इंटू नंबर ऑफ एंटिटीज यानी कि जितने भी लोग हैं और हर एक लोग के पास कितने पैर हैं, तो इनको इंटू करने पर क्या आ जाएगा? जितने नंबर ऑफ पैर हैं वो आ जाएंगे। तो एक्स इंटू टू कितना हो गया? 2x। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 8x और ये भी हो जाएगा 8x। इन सब को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 44 के बराबर आ जाएगा। और सवाल के हिसाब से कितना आएगा? 2, 4, 6, 8, 14, 8, 22। तो 22x का मतलब 44 है। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, 22 ने 44 को 2 बार में काट दिया। आपको इसमें बताना है कि उस फॉर्म में आदमी कितने हैं। तो आदमी यहाँ पर 4x है, तो 4 × 2 यानी 8, x की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर है, 8 आदमी वहाँ पे हैं। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ये सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लड़के हैं राम और श्याम, इनकी रैंक हमेशा फर्स्ट सेकंड आती है इनके क्लास में, किसकी फर्स्ट आती है किसकी सेकंड आती है? आपको इसमें कुछ नहीं पता। कंक्लूजन है राम की हमेशा फर्स्ट आती है जबकि श्याम की सेकंड आती है। आप ऐसा कुछ कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि आप में आपको ये नहीं पता है कि कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है। आप सिर्फ यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि इन्हीं दोनों में से फर्स्ट सेकंड आता है जो भी क्लास में रैंक बनती है, इनके अलावा कोई और नहीं आता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक आनी है तो वो या तो राम की आएगी या तो श्याम की आएगी, इसी तरीके से सेकंड रैंक भी इन्हीं दोनों में से किसी एक की आएगी। तो ये कंक्लूजन यहाँ से गलत हो जाता है। इसके बाद है कि राम और श्याम में नाखूनों जितना टफ कॉम्पिटिशन चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो राम है और जो श्याम है उनके बीच में कंपटीशन इतना टफ है कि नाखून जैसी सख्ती देखने को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक साल राम फर्स्ट आता है दूसरे साल श्याम फर्स्ट आता है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन तो होगा ही। तो मेरे हिसाब से इसका कंक्लूजन सिर्फ 2 फॉलो होना चाहिए, बाकी आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर है 73, स्टेटमेंट और अजम्पशन का ये सवाल है। काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है। ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो, ये एक हिंदी की लोकोक्ति है, कहावत है कि सिर्फ मरी हुई मछलियाँ ही बहाव के साथ जाती हैं। इसका रियल लाइफ में मतलब क्या होता है? इसका रियल लाइफ में मतलब ये होता है कि जिनके दिमाग नहीं होता भेड़ चाल सिर्फ वही लोग फॉलो करते हैं, बाकी सब कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना डिसीजन लेता है। तो पहला अजम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है, फिश दैट आर अलाइव विल नेवर गो टू द फ्लो। यहाँ पे आप ऐसा कोई अजम्पशन नहीं बना सकते कि जो फिश जिंदा हैं वो कभी भी बहाव के साथ नहीं जाएंगी, तो ऐसा कुछ हम नहीं बना सकते। अच्छा मान लीजिए आपने ये कहावत बोली होती तो क्या सोच के बोली होती? कि सभी को अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार चलने का अधिकार है और डिसीजन लेने का अधिकार है, यही सोच के बोले होते ना आप।
तो ये वाला अजम्पशन यहाँ पे जहाँ पे भी दिया है वो सही हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, वन मस्ट हैव इंडिविजुअलिटी इन थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, यानी अपने अपने डिसीजन लेने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का सभी को अधिकार है, इसीलिए सिर्फ मरी हुई मछलियाँ ही भाव के साथ जाती हैं, भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली टू इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 74 फिर से स्टेटमेंट और अजम्पशन का है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एम फॉर द स्टार यू विल एटलीस्ट लैंड ऑन द मून। मान लीजिए आप ही ने ये स्टेटमेंट बोला होता तो क्या सोच के बोला होता? आपके जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, आपके जो सपने हैं, वो हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर आपने इन पे काम कर लिया ना, तो हो सकता है आपका ये सपना पूरा ना हो जाए, लेकिन आप इसके आसपास ज़रूर पहुंच जाएंगे। इस बात का मतलब ये है, हिंदी में कहावत है ये। तो पहला अजम्पशन है, पीपल एम फॉर द स्टार्स बिकॉज दे आर बिगर देन मून। क्या लोग तारों के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ये मून से बड़े हैं? तो ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए कि लोगों को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, आप तभी छोटे सपने पूरे करने की क्षमता रख पाएंगे। तो दूसरी बात देखते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमर्स एम फॉर द स्टार्स एंड लैंड ऑन द मून। ये बताइए, एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो क्या तारों की एम रखते हैं? नहीं, उनको इतनी समझ होती है कि तारों में लैंड नहीं किया जा सकता, उनके लिए तारे अलग हैं जो बच्चों के लिए हैं। बच्चों के लिए तारे बहुत अट्रैक्टिव वस्तु होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर को अच्छी तरीके से पता होता है कि तारे कुछ नहीं, गैस के बड़े बड़े गोले हैं, जो ऐसा भी हो सकता है वो सूर्य से बड़े हों, तो उनको उन पर लैंड करने तो क्या उनके आसपास भी नहीं जाया जा सकता। तो ये अजम्पशन भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी अजम्पशन फॉलो नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई अल्फाबेट सीरीज है जो कि लाइन से लगी हुई है, तो वहाँ पे जो भी 18वां लेटर है उसके सातवां एलिमेंट कौन सा हो जाएगा अगर आप उसके लेफ्ट से चलना चालू करेंगे तो? तो देखिए, एक होती है अल्फ़ाबेट सीरीज, दूसरी होती है रिवर्स अल्फ़ाबेट सीरीज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अल्फ़ाबेट सीरीज की। वहाँ पे 18 का मतलब क्या होता है? आर होता है। तो आर से अगर आप 7 कदम पीछे चले जाएंगे, आपसे लेफ्ट जाने को बोला था, तो यहाँ से लेफ्ट जाने का मतलब है यहाँ से आपको पीछे जाना है, तभी मैंने माइनस का साइन लिया हुआ है। अगर वहीं पर ये बोला गया होता कि यहाँ से आपको आगे जाना है या फिर राइट में जाना है, तब हम यहाँ पे प्लस कर देते। यहाँ पे आपको 7 लेस करना है, तो 18 में से 7 गया तो 11, 11 का मतलब होता है के, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपका कोडिंग है, डिकोडिंग का सवाल है। जिस तरीके से मॉनसून को आपने ये लिखा, विंटर्स को आपने ये लिखा, उस तरीके से समर को आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस लॉजिक के तहत इनको अरेंज किया गया है। तो मॉनसून MONSOON, इसको क्या लिखा हुआ है? PMQQ PMO। इसको ये किस लॉजिक के तहत लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। M से O कैसे बनाया जा सकता है +2 करने के बाद? O से M कैसे बनाया जा सकता है -2 करने के बाद? इसके बाद में N से P कैसे बनाया जा सकता है +2 करने के बाद? उसके बाद में S से Q कैसे बनाया जा सकता है -2 करने के बाद? इस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या बना? पहली बार आप +2 करेंगे, दूसरी बार -2 करेंगे, लेकिन अगर आपका वर्ड इस तरीके से लिखा है, जो रिजल्टेंट वर्ड होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। हमको जो भी वर्ड दिया है समर, उस पे SUMMER। सबसे पहले हमको क्या करना था? +2 करना था, तो S के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा U, क्योंकि S में +2 करने पर आता है U। तो लास्ट में जहाँ पे यू नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये डिस्कार्ड हो गया, ये दोनों डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। बाकी को आप सॉल्व मत कीजिए, टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं 77। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बाकियों से अलग है, ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे आप देखें तो चार के चारों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, मतलब वर्टेक्स सभी जगह पे है, ऐसे ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे वर्टेक्स ना हो। सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है, यहाँ पे भी लागू होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्कल टाइप का दिया हुआ है, जबकि कहीं पर सर्कल जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 देखते हैं, काफ़ी आसान टाइप का ये सवाल होता है, जिसके नीचे जो लिखा है उसको कॉपी कर लेंगे।
जोकर का मतलब आपको बताना है, जे का मतलब एट है, तो शुरुआत एट से होगी। जिनकी शुरुआत एट से नहीं हो रही है उनको डिस्कार्ड कर देंगे, तो ऑप्शन ए खत्म, डी खत्म। इसके बाद ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब यहाँ पे पाँच है, तो कहाँ पे शुरुआत 8-5 से हो रही है, सिर्फ एक ऑप्शन में, नंबर सी में। आगे देखते हैं 79, ये आपका फिर से सिलॉजिज्म का सवाल है। सम पेंसिल्स आर स्टिक, तो ये पेंसिल हैं, इसका कुछ पार्ट स्टिक है। इसके बाद है ऑल स्टिक्स आर ट्रीज, जितने भी स्टिक हैं वो ट्री हैं। इसके बाद आपको बताना है देख के कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ऑल स्टिक्स आर पेंसिल, क्या जितने भी स्टिक हैं वो पेंसिल के अंदर आ रही हैं? नहीं, कुछ पार्ट आ रहा है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगला है ऑल पेंसिल्स आर ट्रीज, जितनी भी पेंसिल हैं वो ट्री के अंदर हैं क्या? नहीं, उनका कुछ पार्ट है, पूरा का पूरा नहीं है, तो दोनों ऑप्शन फॉलो नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है आपका 80, इसमें डायरेक्शन एंड सेंस का आपको यूज़ करना है। कोई थॉमस है, उसको कहाँ से कहाँ जाना है? चर्च से लाइब्रेरी जाना है। अपने भाई को घर छोड़ने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा? चर्च पे खड़ा रहेगा और वो सीधे जाएगा वेस्ट में 4 किलोमीटर, और उसके बाद मारेगा लेफ्ट, और वो 3 किलोमीटर जाने के बाद पहुंच जाएगा अपने घर। तो ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये रहा चर्च और ये रहा इसका घर। बाकी कंडीशंस को पढ़ने से पहले हम लोग जज कर लेते हैं कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड चर्च, तो होम और चर्च की बात करनी है, लाइब्रेरी की बात नहीं करनी है। तो इतना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो जानते हैं 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें लग सकता है। तो ये हो जाएगा 3² + 4² अंडर रूट 25 यानी 5, तो 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, सवाल नंबर है 81, इसमें आपको ये बताना है कि अगर सी का मतलब 5 है, सीट का मतलब 37 है, तो जापान का मतलब क्या होगा? देखिए सी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो कितना होता है? 3 होता है, लेकिन ये इससे 2 ज़्यादा है। तो हर एक चीज़ को हम लोग 2 ज़्यादा करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सीट, CEAT। सी का मतलब 5 आप जानते हैं, ई का मतलब 5 होता है सच में, लेकिन 2 ज़्यादा लेना है तो ये 7 हो जाएगा। ए का मतलब 1 होता है, लेकिन उससे 2 ज़्यादा लेना है तो 3 लिखना पड़ेगा। टी का मतलब होता है 20, 2 ज़्यादा करेंगे तो आ जाएगा 22। सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 22, 5, 27, 7, 34, 3, 37, यही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो लॉजिक बनाया वो सही बनाया कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे 2 ज़्यादा आपको लेना है। जापान का मतलब हम लोग निकाल सकते हैं अब, JAPAN, तो J का मतलब 10 होता है लेकिन लेना आपको 12 है, A का मतलब 1 होता है लेकिन लेंगे आप 3, P का मतलब 16 आपको लेना पड़ेगा 18, A का मतलब 3, N का मतलब होता है 14 लेकिन लेना आपको पड़ेगा 16। सबको ऐड करेंगे देखिए कितना आता है, 12 3 15, 3 18, 18 36, 36 16 52, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 82, लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी की बेटी है, तो ये रही बी, ये माता है कि पिता, फिलहाल आपको नहीं पता लेकिन ये बात ज़रूर है कि ए जो है वो इसकी बेटी है। आगे लिखा हुआ है बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, तो बी को अगर डॉटर होना है तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, और ये किसकी डॉटर है? सी की। अब ये सी जो है वो मेल है कि फीमेल है आपको नहीं पता फिलहाल। आगे लिखा हुआ है सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, अगर सी को भाई होना है तो इसको मेल होना पड़ेगा, किसका भाई है? तो डी का भाई है ये सी। डी कौन है फिर, बहन है या फिर भाई है? तो वो पता नहीं है। आगे लिखा हुआ है डी इज़ द मदर ऑफ ई, अगर डी को मदर होना है तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, किसकी मदर है? तो ये ई की मदर है। ई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है फिलहाल, लेकिन हाँ आगे दिया हुआ है ई इज़ मेल, ई जो है वो मेल है, लड़का है। तो आगे आपको बताना है कि ए जो है वो कौन है, ई का या फिर की। तो पहली बात तो ए जो है वो फीमेल है, तो मेल वाले सारे ऑप्शन यहाँ से हटा दीजिए, नेफ्यू और ब्रदर यहाँ से कट गया। इसके बाद अगर ये सेम स्केल पे होते तो बहन लगा देते, लेकिन फिलहाल हम लोग नीस लगाएंगे, भतीजी है ये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं 83, इसमें लिखा हुआ है कि एक फॉल्टी कंपस है, यानी कि डायरेक्शन कुछ और होती है, वो दिखाता कुछ और है, जाहिर सी बात है वो यही कर रहा है। ईस्ट का मतलब उसके हिसाब से नॉर्थ है, वेस्ट का मतलब उसके हिसाब से ईस्ट है, नॉर्थ का मतलब साउथ है, और साउथ का मतलब वेस्ट है उसके हिसाब से। तो चलिए बना लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है आप जानते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। चलिए अब कंपस के हिसाब से किसको क्या बोलते हैं लिख लेते हैं। ईस्ट का मतलब कंपस के हिसाब से नॉर्थ है,
और वेस्ट का मतलब ईस्ट है, नॉर्थ का मतलब साउथ है और साउथ का मतलब वेस्ट है। कंपास के हिसाब से ये है जो मैंने हरे कलर से लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि इस पर्टिकुलर कंपास को लेकर कुछ लोग मूव कर रहे होते हैं और जो कंपास है वो साउथ ईस्ट दिखा रहा होता है अपने हिसाब से। तो सही बात वो डायरेक्शन क्या है, ये आपका सवाल है। तो कंपास के हिसाब से साउथ कहाँ है, यहाँ पे। ईस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे। तो कंपास के हिसाब से इस वाली डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है और इस डायरेक्शन को सही बात क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, पूरा का पूरा वीन डायग्राम आपको दिख रहा है। क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। 84 नंबर में आपसे पूछा है कि कौन सी कितनी ऐसी फैमिली हैं जो दोनों सामान खरीदती हैं, बी और सी। यहाँ पे कुल मिला के 300 फैमिली की बात कर रहे हैं और तीन टाइप के न्यूज़पेपर को खरीदा जाना है, ए बी और सी को। तो ये पूरी की पूरी ए फैमिली है। ए से फिलहाल हमको मतलब नहीं है तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मतलब किससे है, बी और सी से। तो ये पूरी की पूरी बी नाम की फैमिली है इस तरीके से, और ये पूरी की पूरी सी नाम की फैमिली है ये इस तरीके से। एक चीज़ बताइए, बी और सी के बीच में कॉमन पार्ट है वो क्या है। तो बी और सी के बीच में कॉमन पार्ट ये है। तो ये 4 है, ये 5 है, कुल मिला के कितना हो गया, 9। तो 9% आपको लेना पड़ेगा 300 का। तो 9/100 × 300, 3 बार में कट गया, 9 3 = 27। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ऐसी 27 फैमिली हैं जो दोनों टाइप के पेपर खरीदती हैं, बी और सी दोनों को। अगला है सवाल नंबर 85। यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी ऐसी फैमिली है जो कम से कम दो पेपर अवश्य खरीदती हैं। तो कम से कम दो खरीदने का मतलब क्या है, दो न्यूज़पेपर भी खरीदे जा सकते हैं और इवन तीन भी खरीदे जा सकते हैं। तो दो न्यूज़पेपर खरीदने वाली कितनी कितनी फैमिली हम लोग देख लेते हैं। तो दो न्यूज़पेपर खरीदने वाली फैमिली कौन कौन सी होंगी, एक तो ये 3 होगी, फिर ये 4 होगी और ये 5 होगी। इसी को क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो 3 है वो किससे किससे रिलेट कर रही है, एक तो सी वाले से और एक तो बी वाले से, लेकिन ए वाले से मतलब, और लेकिन बी वाले से नहीं कर रही है, और यही बात बाकी के लिए भी ट्रू है। तो दो फैमिली कितने कितने लोग हैं, 4 + 5 + 3, और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो सारे के सारे न्यूज़पेपर खरीद लेती हैं। तो ये आपका कॉमन पार्ट है तीनों का, तो 4। तो 4 5 9 3 12 4 16। तो 16% किसका लेना है, 300 का, 3 बार में कटा, 16 3 = 48। 48 फैमिली ऐसी होंगी जो कम से कम दो पेपर अवश्य खरीदती हैं, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर का सवाल है कि ऐसी कितनी फैमिली हैं जो किसी भी पेपर को नहीं खरीदती हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अपने बेसिक डायग्राम में जो कि आपको दे रखा है। ये जितना भी बना हुआ है, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये किसका डेटा है, कौन कितने न्यूज़पेपर खरीदता है उसका डेटा है। तो इसका मतलब जो बच जाएगा वो इससे बाहर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 16 4 20 4 24 3 27 5 32 32 22 कितना होता है, 54, और 54 और 21 कितना होता है, 75। तो 75% जो फैमिली हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदती हैं। तो एक भी पेपर ना खरीदने वाली कितनी फैमिली होंगी, 100 - 75, क्योंकि निचली किसी को भी 100% ही माना जाता है। तो 25% फैमिली कुछ भी नहीं खरीदती हैं। तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 किसका लेंगे, 300 का लेंगे। तो ये 75 बार में कट जाएगा। 75 ऐसी फैमिलीज हैं जो कि चारों ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 75। चारों ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, एम्बिगुअस सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो या तो ए और या तो बी को प्रिफर करती हैं लेकिन सी को नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है या तो ए या तो बी, तो इसका मतलब ए बी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा है कि दोनों लेना अलाउ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग ए हैं वो बी भी प्रिफर करते हों और जो लोग बी खरीदते हैं वो ए भी प्रिफर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करने को अगर बोलते तो हम कर देते। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन किसको पसंद करता है, मतलब पेपर को। तो यहाँ पे देख लीजिए, केवल ए को कितने लोग प्रिफर करते हैं, 16। केवल बी को कितने प्रिफर करते हैं, 22। तो 22 + 16, और ए और बी दोनों को कितने प्रिफर करते हैं, तो ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, ये पूरा इतना है,
लेकिन इस वाले चार की अगर आप बात करें तो ये सी की कैटेगरी में भी लाई कर रहा है, सी वाले सर्किल में भी ये इंक्लूडेड है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे +8 ना करके सिर्फ +4 करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ ए और बी के बीच में आ रहा है, सी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 22, 10, 32, 36, 38, 4, 42, तो 42% आपको लेना है। किसका आप लेंगे? 300 का लेंगे, तीन बार में जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 126 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, 88 नंबर का ये सवाल है, ऑड वन आउट आपको बताना है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो स्प्रिंग, ऑटम और समर को आप ये सीजन की कैटेगरी में आप रखते हैं। ये मौसम होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, लेकिन विंडी, क्लाउडी ये सब डे होते हैं, ये वेदर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब हवादार यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 89 नंबर का ये सवाल है, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये पूरा का पूरा सेट है। यहाँ पे आपको साल दे रखे हैं और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग कितने इंच के कितने एलसीडी बिके, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। 89 नंबर के सवाल में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा साल है जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर के एलसीडी बिके, मतलब सबसे ज़्यादा एलसीडी बिकने की संख्या कौन से साल में है, ये आपको बताना है। क्या वो साल 2013 है, 14 है, 17 या फिर 16 है। एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, साल 2013 में कितने कुल मिला के एल सी डी बिके। तो ये रहा साल 2013 और ये रहा इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब। सबको ऐड करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 180, 180 टीबी बिके थे एल सी डी। किसमें? साल 2013 में। साल 2014 का क्या हिसाब किताब है? सबको ऐड कर देंगे आप, आंसर मिल जाएगा आपको। तो साल 2014 में 224 टीबी बिकेंगे। आपसे इसमें पूछा है ज़्यादा टीबी कौन से साल में बिकेंगे, तो 224 और 180 में जो छोटा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब साल 2013 डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए साल 2017 की बात करते हैं, यहाँ पे सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा 272। तो जो छोटा है इन दोनों में इसको डिस्कार्ड कर देंगे, 224 यहाँ से चला जाएगा। और इसके बाद साल 2016 की हम लोग बात करेंगे, सबको ऐड करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 241। तो 241 और 72 में जो छोटा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 241 किस में आया था? साल 2016 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, डी को क्रॉस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 90 की तरफ। 90 नंबर का सवाल है कि पूरे के पूरे 6 साल के अंदर ऐसा कौन से इंच का टीवी है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि 60 इंच की टीवी सबसे ज़्यादा बिके हैं क्या? चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, 60 इंच की टीवी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं, इन सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 3, 19, तो 21, तो 210 प्लस 6, 8, 14, 7, 21, 9, 30, 5, 35, 2, 37, तो 210 और 37 कितना होता? 247। तो यहाँ पे 60 इंच के टीवी कुल मिला के जितने भी साल हैं वो 247 बिके थे। चलिए 50 इंच के टीवी की बात हम लोग करते हैं, तो ये रहे 50 इंच के टीवी कितने बिके थे? 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 4, 18, 3, 21, तो 210 प्लस इसके बाद है 4, 5, 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20, 8, 28, तो 28, 10, 38, तो 238। अब इसमें देखिए आपसे पूछा क्या है, तो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है मैक्सिमम, तो जिसकी वैल्यू कम है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो 60 इंच के जो टीवी हैं वो 247 बिके थे, ये वाले 238 बिके थे, तो इस वाले को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, मैक्सिमम पूछा था आपसे। तो यहाँ पे 50 इंच के टीवी को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, 40 इंच के टीवी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ और ये रहे 40 इंच के टीवी। इन सब को ऐड करने पर आपको पता चलता है 3, 4, 7, 5, 12, 4, 16, 4, 20, 5, 25, तो 250 के ऊपर चला गया मामला यहीं से। बाकी को ऐड आप ना भी करें तो 250 यहीं से आ गया। और 250 और 247 में जो छोटा है ना उसको डिस्कार्ड कर देंगे, आपसे मैक्सिमम पूछा था, तो 60 इंच वाले टीवी को डिस्कार्ड कर देंगे। अभी आपका ये होल्ड पे चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, 55 इंच के टीवी बिके थे क्या सबसे ज़्यादा? वेरीफाई करते हैं, ये रहे 55 इंच के टीवी। इन सबको ऐड करते हैं, 1, 3, 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17, 5, 22, तो 220 तो यहाँ से हो गया। और उसके बाद 5, 4, 9, 1, 10, 6, 16,
9 25 4 29 1 30, तो 250 हो गया। ये कुल मिला के 250 है। इससे पहले जो हमने 250 निकाला था वो पूरी तरीके से ऐड नहीं किया था, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस की वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका हिसाब किताब कुछ अलग होगा। कितना होगा, इन सब को ऐड करने पर आपको पता चलता है 40 इंच के टीवी में कि 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27, तो 250 और 27 कितना हो गया, 277। तो 277 में और 250 में कौन बड़ा है, 277, तो 277 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 40 इंच के टीवी ज़्यादा बिके हैं एज कम्पेयर टू 55, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, 91 नंबर का सवाल है कि ऐसा कौन सा साल था जहाँ पे 55 इंच के टीवी के जो बिक्री है उसका परसेंटेज टोटल के मुकाबले सबसे ज़्यादा था। क्या वो साल 2016 था, 15 था, 17 था या फिर 14 था। एक एक करके हम लोग देखते हैं। साल 2016 की सबसे पहले बात करेंगे और 55 इंच के टीवी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा 55 इंच का टीवी और ये रहा साल 2016 कहाँ पे, तो देख लीजिए अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो साल 2016 में 49 टीवी बिके थे 55 इंच के, कुल मिला के कितने टीवी बिके थे उस टाइम, तो 251 टीवी बचे थे। इस फ्रैक्शन को आप फिलहाल याद रखेंगे और अगले ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगला ऑप्शन आपका है, क्या वो साल 2015 था, तो साल 2015 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रहा साल 2015 और ये रहे 55 इंच के टीवी, कितने बिके थे, 51 टीवी उस टाइम बिके थे और कुल मिला के सभी इंच के कितने टीवी बिके थे उस टाइम, तो 238 टीवी बिके थे। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए और छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए। ये 49 है 251 के ऊपर, लेकिन ये तो 51 है सिर्फ 238 के ऊपर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इस वजह से इसको चालू रखेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो साल 2016 वाले को डिस्कार्ड हम लोग कर देंगे, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, बाकी के तीन ऑप्शन आपके चालू रहेंगे, ये डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद साल 2017 की तरफ चलेंगे, 55 इंच के टीवी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा साल 2017 और ये रहे 55 इंच के टीवी, कितने बिके थे, 54 टीवी बिके थे, 54 कुल मिला के सभी इंच के कितने टीवी बिके थे, इन सबको ऐड कर देंगे आपको यहाँ पर मिलेगा ये 230 प्लस 32 यानी 262, तो 54 अपॉन 262 इसमें हो जाएगा। इसको फिलहाल होल्ड पे रखेंगे। इन दोनों को चाहें तो आप कंपेयर करके एक ऑप्शन यहाँ से भी हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 54 है किस पे, 262 पे। अगर पूरी की पूरी वैल्यू 262 है मान लीजिए, तो ये 54 है। अगर पूरी की पूरी वैल्यू 238 है तो ये 51 है, तो बड़ा कौन हुआ। ये हमको 262 में 54 दे रहा है और ये 238 में 51 दे रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया। तो साल 2017 वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। साल 2015 वाले को चालू रखेंगे। तो फिलहाल दो ऑप्शन है, साल 2015 या फिर साल 2014। चलिए साल 2014 का हिसाब किताब देखते हैं 55 इंच के टीवी को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साल 2014 में 55 इंच के कितने टीवी बिके, 46 टीवी बिके। कुल मिला के सभी इंच के टीवी कितने बिके वहाँ पे, इन सबको आप ऐड कर देंगे। कौन सा साल चल रहा है, 2014, तो 5 4 9 4 13 4 17 2 19 190, तो यही हो गया। इसके बाद आइए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 10 6 16 27 2 25 1 26 8 34, तो 190 और 34 कितना होता है, 224, तो 46 अपॉन 224। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है आपको देखना पड़ेगा, इस ऑप्शन को पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 23 और यहाँ पे हो जाएगा 112, और इसको आप 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 times और ये हो जाएगा 17, एकम 17, यहाँ से 6 बचेगा, 14 बार में ये कट जाएगा। तो 23/112 और यहाँ पे 3/14 में कौन बड़ा है, तो 23×14 कितना होता है, 23×14 को आप लिख सकते हैं 10+4, तो 230 प्लस 23×92, तो ये हो जाएगा 322। तो 322 को फिलहाल इसके ऊपर लिखेंगे, 23×14 यानी इसके ऊपर लिखेंगे 322 को। अब 112×3 कितना होता है, 336 होता है, तो एक बात बताइए 322 बड़ा या फिर 336, तो 336 बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन भी बड़ा है।
3/14 किसको ब्रेक करने के बाद आ रहा था, 51/238 को, और 51/238 साल 2015 का फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही चला जाएगा, 2014 वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखते हैं 92 नंबर का, ये फिर से उसी टाइप का सवाल है, सेम टू सेम वही है, बस आपका डेटा चेंज है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, तो लास्ट टाइम हमने जो लगाया था वही अभी भी लगा देंगे। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद आपको आंसर मिला था वहां पे, तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 93 नंबर का सवाल, ये भी वही सवाल है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस डेटा चेंज है, तो यहाँ पे जो हमने वहां पे लगाया था वही यहाँ पे भी लगा देंगे। वहां पे अगर आपको याद हो इसी पेपर के अंदर, तो हमने लगाया था कि चाहे तो आप पहले स्टेटमेंट का यूज कर लें, चाहे तो आप दूसरे स्टेटमेंट का यूज कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आइदर वन और टू इज सफिशियंट। अगला सवाल देखते हैं 94 नंबर का, ये भी वही सवाल है एग्जैक्टली, चलिए इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। आपसे सवाल पूछा है कि गुड का मतलब कोड की लैंग्वेज में क्या होगा, क्या स्टेटमेंट वन सफिशियंट होगा, होगा या फिर नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें या फिर लेटर्स की, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ यहाँ पे देखिए सिर्फ बी ई कॉमन है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुड कॉमन है, गुड, तो गुड इक्वल टू क्या हो गया, बी ई। आपको वही बताना था, आपने स्टेटमेंट वन का यूज़ करके बना लिया, पहले स्टेटमेंट से आपकी बात बन गई, चलिए दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो सी कॉमन है और दूसरा बी ई कॉमन है, मीनिंगफुल वर्ड्स के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एक तो गुड कॉमन है और दूसरा ही कॉमन है, तो किसको ही बोलेंगे, किसको गुड बोलेंगे, आपको कुछ कन्फर्म नहीं है, तो इससे आप आंसर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ पहले से दे सकते हैं, तो पहला सफिशिएंट है, दूसरा नहीं है। 95 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, 20, 20, 16, 4, 2 और 8 की सहायता से आप क्या बना सकते हैं, 20 और 16 के बीच में आपका इंटू है, इंटू का मतलब है ऐड करना, 16 और 4 के बीच में माइनस का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है माइनस का यहाँ पे मतलब है डिवाइड करना, और उसके बाद 4 और 2 के बीच में यहाँ पे प्लस का यूज़ हुआ है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, इसके बाद यहाँ पे डिवीज़न का यूज़ है जिसका मतलब है माइनस करना, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 + 4 2 = 8 - 8, यहाँ पे 2 है, तो 20 + 8 - 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 20 आपका बच गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 96 नंबर का सवाल है, कितने प्रकार के एंटिटीज की बात की जा रही है, तो एक ग्रुप है जहाँ पे कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ आदमी हैं, कुछ बकरियाँ हैं और कुछ भेड़ हैं, तो कितने प्रकार के एंटिटीज हैं, एक तो हेन है, दूसरी शीप है, तीसरी गोट है और चौथे इंसान हैं, किसकी संख्या क्या है फिलहाल आपको नहीं पता, लेकिन कुल मिला के ये बात दी जा रही है आपको कि जितनी मुर्गियाँ हैं उतने ही भेड़ हैं, तो मान लीजिए दोनों एक्स हैं, तो जितनी हैं उतनी शीप, ये आपने मान लिया, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, मान लीजिए हैन है तो कितनी मुर्गियां हैं, एक्स हैं, कितनी भेड़ हैं, एक्स हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपको रिलेशन बता रखा है आदमियों और बकरियों के बीच में, कि जितनी भी आपके पास बकरियां हैं आदमी उसके डबल हैं, तो ना तो आपको बकरियां पता है ना तो आदमी पता है, तो फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा है जितनी भी आपके पास बकरियां हैं वो डबल हैं जितनी आपके पास शीप हैं उनके, तो शीप आपके पास एक्स हैं तो गोट तो इनसे डबल हो जाएंगी 2x। इसके बाद आपको दे रखा है कि जितनी बकरियां हैं उसका डबल आदमी है तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन अब सवाल ये आता है किसके पास कितने पैर हैं, नंबर ऑफ लेग्स पर हेड, एक मुर्गी के पास कितने लेग हैं, एक इंसान के पास कितने लेग हैं, इन सब की बात हम लोग करेंगे। मुर्गी के पास में 2 पैर होते हैं, भेड़ के पास में 4 होते हैं, बकरी के पास में 4 होते हैं, इंसान के पास 2 होते हैं, कुल मिला के कितने पैर आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल लेग्स होता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू लेग ऑफ ईच पर्सन, यानी हर एक पर्सन के जितने पैर होते हैं उतने ही पर्सन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको कुल मिला के पैरों की संख्या मिल जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, x इंटू 2, इसके बाद x इंटू 4 हो जाएगा 4x, सबको प्लस करना है आपको क्योंकि सबको प्लस करने के बाद 44 आएगा,
टू एक्स इंटू फोर कितना हो जाएगा 8x, 4x इंटू टू 8x हो जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा 44, 8, 8, 16, 4, 20, दो 22, 22x बराबर 44, x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। इसके बाद आपको बताना है कि जिनके चार पैर हैं उतने जानवर कुल मिला के कितने हैं इस ग्रुप में। तो देखिए चार पैर किसके किसके पास हैं, तो पहली बात तो चार पैर बकरी के पास हैं तो आपको 2x बताना है, और दूसरी बात भेड़ के भी चार पैर होते हैं तो x भी बताना है, तो 2x प्लस x कितना होता है 6x, x की वैल्यू रख देंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 6 इंटू 2 12, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 2x प्लस x 3x होता है तो 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी सही है, बी यहाँ पे सही नहीं है, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, फिर से आपका वही कॉपी पेस्ट सवाल है, अभी इससे पहले इसी पेपर में इसी वीडियो के अंदर हम लोग ने इसको सॉल्व किया था, तो जो ऑप्शन वहाँ टिक किया था वही यहाँ पे टिक कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने टिक किया था ऑप्शन नंबर बी, इसी को यहाँ टिक कर देंगे, सेम टू सेम यही सवाल है, एक भी डेटा तक चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पे 98 नंबर का सवाल है, अलग है ये स्टेटमेंट और अजम्पशन का ये सवाल है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है बेटर एंड ऊप्स देन अ व्हाट इफ, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है ऊप्स यानी कि ओ शिट गलती हो गई तो वो ज़्यादा सही है, अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसा करने से क्या होगा उसके कंपैरिजन में, तो ऐसा कोई क्यों कहेगा, ये कहावत है हिंदी की कि क्या होगा से बेहतर है ओ, ऐसा कोई क्यों कहेगा, ऐसा कोई इसीलिए कहेगा क्योंकि उसके हिसाब से समस्याओं को देख के भागने से अच्छा है कम से कम प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपको यही दे रखा है, यू मस्ट ट्राई बिफोर गिविंग अप बाय सीइंग द प्रॉब्लम्स, यानी समस्या को देख के भाग खड़े होने से अच्छा है आप ट्राई अवश्य मारें, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये सोच के ये बात बोली जा सकती है इस वजह से सही है। ऑप्शन नंबर दो है, इवन इफ़ यू फेल यू विल लर्न हाउ टू नॉट टैकल द प्रॉब्लम, अगर आप फेल होते हो तो क्या सीखते हो, आपको प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ये सीखते हो, लेकिन यहाँ पे क्या सिखा रहा है वो आपको कि आप सीखेंगे कि प्रॉब्लम से कैसे भागना है या फिर उसको ट्रैवल नहीं करना है, मतलब डील उससे नहीं करना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 99 है कि अगर आपके पास एक ऐसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो जिसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, वहाँ से आपको 12वां लेटर सिलेक्ट करना है और उसके 8वें राइट में क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि 12वां लेटर मान लीजिए आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके 8 कदम आप आगे आप जाके आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, कितने कदम आगे जाना है 8 कदम। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, देखिए क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है जिसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। चलिए यहाँ से 12वां एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से चालू करते हुए आपको 12वां एलिमेंट उठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये रहा आपका 12वां एलिमेंट, यहाँ से आपको 8 कदम आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको क्या मिल गया, देखिए जी मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एंड द ईच पार्ट इज रिवर्स व्हाट विल बी द 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। आपके पास एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की पूरी सीरीज है ए से लेकर जेड तक, पहले और लास्ट एलिमेंट को हटाते हुए जितने भी बीच के एलिमेंट हैं सबको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद हर एक पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है और बताना है कि उस ऑर्डर में 18वां लेटर कौन सा होगा अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो जैसा कि सवाल में हमसे कहा गया था हमने इसको वैसे ही कर लिया, पहले और आखिरी लेटर को हमने एक्सक्लूड कर दिया और उसके बाद जो बचे हुए लेटर्स हैं आपके उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पहला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और इस तरीके से ये चौथा पार्ट है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, और उसके बाद में रिवर्स डायरेक्शन में एक एक पार्ट को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, ये पहला पार्ट है रिवर्स ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में दूसरा पार्ट है, ये रिवर्स ऑर्डर में तीसरा पार्ट है, चौथे पार्ट को अरेंज भी हम इसी तरीके से कर सकते थे, फिलहाल इसको अरेंज किया नहीं है। इसमें आपको बताना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आपको 18 लेटर कौन सा मिलेगा, 18th लेटर की बात हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18वां लेटर आपको मिल गया एन, ऑप्शन नंबर ए।